श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाचि गुरु उपदेश मुख्य जय श्री प्रभु सद्गुरु गुण निधि सद्भक्त कल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। और आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये जो आषाढ़ पूर्णिमा है, इसको हमारी संस्कृति में गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन न केवल अपने गुरु के प्रति नतमस्तक होने का विधान है, अपितु समस्त जो गुरु परंपरा है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो हमारी जो गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा को नमन करने के लिए आज का दिन जो है वो विशेष रूप से उसकी विशेष महत्व। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आप लोगों ने व्यास महर्षि का नाम सुना? व्यास महर्षि कौन थे? हाँ, वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की। वेद व्यास जो है वो महाभारत की रचना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। परंतु विशेष बात यह है कि वेदांत शास्त्र की जो प्रस्थान त्रयी है, उसका जो कर्तृत्व है वो व्यास महर्षि को जाता है। प्रस्थान त्रयी यानी क्या? प्रस्थान कहते खंभे को, जिसके ऊपर वेदांत शास्त्र टिका हुआ है। प्रस्थान यानी खंभा। ऐसे तीन खंभे हैं जिनके ऊपर ये सारा शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र हमारा टिका हुआ है। तो कौन से हैं? तो श्रुति, स्मृति और न्याय, ये तीन खंभे। श्रुति यानी क्या? तो श्रुति यानी उपनिषद। भगवान वेदव्यास ने वेदों का वर्गीकरण किया। प्रारंभ में वेद जो हैं वो एक ही हैं या एक ही थे। आज हम लोग कितने वेद जानते हैं? चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और फिर इन वेदों में भी संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। तो इस प्रकार वेदों का जो वर्गीकरण किया वो किसने किया? तो व्यास महर्षि ने किया। तो इसलिए श्रुति प्रस्थान का जो श्रेय है वो किसको जाता है? व्यास महर्षि को। उसके बाद क्या? स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान यानी क्या? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को युद्धभूमि में उसका उपदेश किया, तथापि उसको शब्दबद्ध किसने किया? भगवान वेदव्यास ने उस गीता को, श्रीमद् भगवद गीता को शब्दबद्ध किया। महाभारत के भीष्म पर्व का 25वां अध्याय जो है वहां धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, वहां से भगवद्गीता शुरू होती है। तो वेद व्यास ने भगवद्गीता की रचना की, तो स्मृति प्रस्थान का श्रेय भी भगवान वेद व्यास को ही जाता है। और तीसरा कौन सा? न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान यानी क्या? तो ब्रह्मसूत्र जो है वो साक्षात जो है वेद व्यास ने ही उनकी रचना की,
उपनिषदों के अर्थ को, उपनिषदों के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए जिन सूत्रों की रचना की, 555 सूत्र, ये किसने लिखे? तो भगवान वेद व्यास ने लिखे। तो इसलिए श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, इन तीनों प्रस्थानों का कर्तृत्व जो है वो भगवान वेद व्यास को जाता है। और इसलिए अध्यात्म शास्त्र में भगवान वेद व्यास की जो महती है, कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो कुछ है जगत में, जो कुछ हो रहा है वो सारा भगवान वेद व्यास ने पहले ही कह दिया, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो ऐसे भगवान वेद व्यास की पूजा करने के लिए आज का दिन विहित है और उसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। और आज ही के दिन जो सन्यासी हैं उनके चातुर्मास्य का आरंभ होता है, चातुर्मास्य व्रत का आरंभ होता है। इसलिए आज का दिन जो है हमारी संस्कृति में अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पावन है, अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा दिन है। और प्रभु संस्थान में ये जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमने मनाना शुरू किया, पहले नहीं मनाते थे, कुछ वर्षों से, एक मेरे ख्याल से 10-15 वर्षों से हम लोग इसको विशेष रूप से मना रहे हैं। और उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे माणिक प्रभु वेद पाठशाला के जो छात्र हैं उनको जाता है। उन्होंने माणिक प्रभु वेद पाठशाला के जो भूतपूर्व छात्र रहे, उन्होंने ये नियम बनाया कि प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन हम प्रभु महाराज की महापूजा करेंगे और एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसका रूपांतरण जो है वो धीरे 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 बढ़ते हुए आज इस विशाल सभा के रूप में हुआ है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, इसका श्रेय हमारे माणिक प्रभु वेद विद्यालय के छात्रों को जाता है। आज यहाँ मुझे प्रसन्नता है, अनेक भूतपूर्व विद्यार्थी, माणिक प्रभु वेद पाठशाला के अनेक भूतपूर्व छात्र यहाँ उपस्थित हैं और मुझे ये कहने में गर्व होता है, ये सब पंडित हैं, ये सब पंडित हैं। और जो यहाँ उपस्थित नहीं है वो महापंडित है। क्यों क्यों महापंडित है? क्यों? इसलिए महापंडित है क्योंकि उनको काम है। ये लोग बेचारे खाली हैं। ये केवल पंडित है, जो उपस्थित नहीं है वो महापंडित है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए वो नहीं आ पाए। मैं ये श्रेय जो है इस उत्सव का मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे माणिक प्रभु वेद पाठशाला के जो भूतपूर्व छात्र हैं उनको जाता है कि उन्होंने इस, मतलब इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है हमारे वेद पाठशाला के छात्रों द्वारा हुई। अभी तो इसलिए हमारे जो वेद पाठशाला के छात्र हैं यहाँ उपस्थित पंडित और यहाँ अनुपस्थित महापंडित, इन लोगों का मैं आभारी हूँ कि उनकी वजह से ये कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है। और मुझे आशा है कि प्रतिवर्ष जो है ये अत्यंत उत्साह के साथ और अधिक, इससे अधिक, अधिकस्य अधिकम फलम, इससे ज़्यादा जो है उत्साह के साथ हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे। अभी अभी चैतन्य राज जी ने अपने प्रभु चरित्र के आख्यान में गुरु शब्द का अर्थ, गुरु की महिमा, गुरु की कृपा इत्यादि अनेक बातों को विस्तार पूर्वक अत्यंत रसपूर्ण तरीके से आपको आपको सुनाया और गुरु की महिमा आपको उन्होंने दी। तो गुरु शब्द जो है वो गृ धातु से बनता है, गृणाति, गृणाति यानी क्या? उपदिशति, गृणाति उपदिशति आत्मतत्वम इति। जो आत्मतत्व का उपदेश करता है उसको गुरु कहते हैं। वैसे तो गुरु जो है अनेक गुरु है, अनेक गुरु है, जो संगीत सिखाता है वो भी गुरु है, जिसने हमको ABCD सिखाया वो भी गुरु है, माता पिता भी गुरु है, हैं। और आजकल जो है ज्योतिषी लोग, अभी बताया उन्होंने, ज्योतिषी लोग वो भी गुरु है, वास्तुशास्त्री वो भी गुरु है, हैं, अनेक प्रकार के गुरु हैं, जादूगर लोग वो भी गुरु हैं, चमत्कारी जादूगर लोग, चमत्कार करने वाले। रामराज स्वामी महाराज ने दासबोध में कहा है, बड़ा सुंदर कहा है, गुरु का लक्षण पहले ही श्लोक में उन्होंने कहा, जे करामति दाखविती ते ही गुरु मणि देती, परंतु सद्गुरु नवेती मोक्ष दाते, परंतु सद्गुरु नवेती मोक्ष दाते। तो गुरु शब्द का अर्थ है गृणाति
आत्मतत्वम उपदिशति इति गुरुः। अब सवाल ये उठता है कि गुरु की आवश्यकता किसको है, गुरु की आवश्यकता किसको है। तो हम ये देखते हैं कि पशुओं को गुरु की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपने देखा बंदर का गुरु, माकड़ा सा गुरु, हा काय करतो, हा माकडाला उड्या मारणे शिकवतो, माकडाचा गुरु तो काय करतो, माकडाला उड्या कसे मारावेत, सापाचा गुरु हा कसं चावावं, विंचवाचा गुरु हा कुत्र्याचा गुरु, असं पाहिलंय कुठं, ऐसा कहीं देखा हा नहीं। गुरु जो है वो केवल मनुष्य का गुरु है, मनुष्य को ही गुरु की आवश्यकता है। अच्छा, सभी मनुष्यों को गुरु की आवश्यकता है क्या, सभी मनुष्यों को गुरु की आवश्यकता है क्या? नहीं, गुरु शब्द से अर्थ घृणाति आत्मतत्वम उपनिषदि, सद्गुरु की बात करो, गुरु यानी एबीसीडी सिखाने वाला गुरु नहीं, सदगुरु जो है वो सभी मनुष्यों को आवश्यक है क्या, आपका क्या ख्याल है, सबको आवश्यक है? हा? शास्त्र कहता है, भगवान स्वयं कहते हैं, शास्त्र क्यों, भगवान स्वयं कहते हैं कि चार प्रकार के लोग हैं, चार प्रकार के लोग, कैसे चार प्रकार के लोग, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार प्रकार के लोग कौन से कौन से, देखिए मेरी भक्ति कौन करता है, सुकृतिनः, पहली बात तो जो पुण्यवान है वही मेरी भक्ति करते हैं। उससे पहले भगवान ने नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, इससे पहले वाला श्लोक, दुष्कृति जो है वो नराधमा है, वो मेरे नाम को ही नहीं आते, मेरे पास ही नहीं आते, जो पापी हैं, जो पापी हैं वो मेरे नाम को ही नहीं आते, दुष्कृतिना मूढ़ा ऐसे लोग, नराधमा है, इससे पहले वाला श्लोक। और आगे भगवान कहते हैं सुकृतिना, सुकृतिना यानी किति दैव सुकृत फलले अजिम्या परमामृत प्याले, सुकृति यानी क्या, सुकृति यानी पुण्य, अच्छे कर्म, सुकृत अच्छे कर्म। तो चार प्रकार के पुण्यवान लोग, चार प्रकार के पुण्यवान लोग जो हैं, भजन्ते माम, माम भजन्ते, मेरी शरण में आते। कौन से चार प्रकार के लोग, आर्तः, उसके बाद अर्थार्थी, उसके बाद जिज्ञासु, उसके बाद ज्ञानी, चार प्रकार के लोग। तो इसमें आर्तः, आर्तः यानी क्या, आर्तः यानी जो संकट पड़ने पर परमात्मा को स्मरण करता है, संकट आने पर, वैसे हमेशा नहीं करता, संकट आता है तो परमात्मा को स्मरण करता है। पुराणों में महाभागवत में आर्त का, आर्त भक्त का सबसे अच्छा लक्षण कौन सा, सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा, तो गज, गजराज जो है वो आर्त भक्त का लक्षण है, उसके ऊपर संकट आया, मगर ने उसको पकड़ लिया तो उसने भगवान को स्मरण किया। हम लोग भी जो है बचपन से आर्त भक्त रहे, गणित का पेपर है, कल क्या है, गणित का पेपर है, गणित के पेपर के दिन हनुमान जी की प्रदक्षिणा, उद्या का है मराठी, नहीं तर नहीं चालते, मी पास हो तो कसे ही मराठी, मराठी मध्ये मी पास हो तो कानडी मध्ये कन्नड जग यार हंगनो पास आते नो अदर देन गणित पेपर दिन हनुमान देव की प्रदक्षिणा आ गई। आर्त, आर्त यानी क्या, उसको संकट आ गया, अब संकट आ गया, अब संकट आ गया तो इसलिए वो भगवान की शरण में गया। आर्तः, कोई भी संकट आ जाए, पुलिस ने पकड़ लिया, टैक्स वाला आ गया, बीमार हो गए, कुछ भी हो, कोई संकट आ गया तो भगवान को जो स्मरण करता है उसका नाम आर्तः। दूसरा कौन सा, अर्थार्थी, अर्थार्थी यानी क्या, जो अपने लाभ के लिए
अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भगवान को स्मरण करता है वो आत्मा। ये दो प्रकार, ये जो दो हैं इनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, आर्ता और अर्थार्थी, इनको गुरु की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्ट संबंध है भगवान से, बीच में गुरु की क्या आवश्यकता है। आर्ता और जो अर्थार्थी, इनको गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता कब आती? जिज्ञासु, जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि वो परमात्म तत्व क्या है, वो कैसा है, ऐसी जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तब गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वो जो परमात्म तत्व है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वाणी के द्वारा वो बताया नहीं जा सकता, वो कैसा है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता तो पुस्तकों को पढ़कर, YouTube में, इंटरनेट में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इसमें उसमें कहीं से भी हमको परमात्मा मिल जाता, वो मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत सूक्ष्म है। आप में से किसी ने परमात्मा को देखा? कोणी पाहिले का हो बना? नहीं, कोणीच पाहिले नहीं, कोणीच पाहिले नहीं। तुमचा चेहरा तुम्ही पाहिला है का? अपने चेहरे को देखा है क्या? कैसे देख सकते? नहीं देख सकते। कैसे देखेंगे? अपने चेहरे को आप देख सकते हैं क्या? आता तुम्हाला दिसते है का तुमचा चेहरा? दुसऱ्यांचा दिसते, दुसऱ्यांचा चेहरा दिसतो, आणि त्या चेहऱ्यावर काय दिसते? ह्याला कंटाळा आलाय, हे केव्हा संपतंय म्हणून त्याच्या मग तोंडावर भाव आहे, कधी कधी भंडार खाण्याला जाऊ म्हणायचा भाव आहे, हे आपल्याला कळतंय। पण आपल्या चेहऱ्यावर काय दिसतंय का? दिसतंय का? तो उसके लिए अगर अपना चेहरा देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? हा? शीशा, दर्पण, अथवा आजकल के काल में फोन लिया और फ्रंट कैमरा ओपन कर लिया। तो वो दर्पण जो है शास्त्र दर्पण है, उस परमात्म तत्व को देखने, क्योंकि परमात्म तत्व जो है वो मुझसे भिन्न नहीं है, उसको मैं अलग करके नहीं देख सकता। बड़ी दिक्कत है वेदांत शास्त्र में, अध्यात्म में बड़ी दिक्कत है। कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट, विषय अगर होता तो उसको मैं देखता, उसको मैं पकड़ता, उसको मैं उसका रंग रूप क्या है जानता। प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है कि वो परमात्मा तत्व यहाँ है अंदर, उसको कैसे देखेंगे? तो उसको देखने के लिए फिर एक दर्पण की आवश्यकता है, और वो दर्पण कौन सा? तो शास्त्र दर्पण, शास्त्र दर्पण। बहुत अच्छी बात बताई महाराज आपने, अब हम शास्त्र देखेंगे। दिक्कत यह है वो शास्त्र जो है बगैर गुरु के समझ में नहीं आता, क्योंकि दर्पण अगर हो, किसी के हाथ में दर्पण दे दिया, देखो अपना चेहरा, उसने उल्टी बाजू से देखना शुरू किया, महाराज रजत का ही दिशा ना फुटता है, मागे फुटता है। उस दर्पण को कैसे पकड़ना है और किस तरह से देखना है ये कौन बताएगा? क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनके अंदर गूढ़ार्थ है, गूढ़ार्थ, अर्थ सहज नहीं है। एक श्लोक भगवद गीता का हम लेंगे और उसके अर्थ के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे कि 18वें अध्याय में जो अंतिम 66वां श्लोक है उसको चरम श्लोक कहते हैं, जहां भगवान ने भगवद गीता के संपूर्ण सार को एक श्लोक में कह दिया। क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सारे पापों को, तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। शर्त क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग कर दो। महाराज हे श्लोक मला फार आवडते,
हे मला फार आवडतं का, धर्माचा त्याग करा असं सांगितलं. धर्माचा त्याग करा, सर्वधर्मान परित्यज्य, माम एकम शरणम व्रज. अब ये माम एकम शरणम व्रज में भी उसमें भी गड़बड़ है. भगवान कृष्ण कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, इसका मतलब क्या, शिव के पास मत जाओ, शिव के पास मत जाओ, गणपति के पास बिल्कुल मत जाओ, हनुमान के पास भूल कर मत जाओ, माम एकम शरणम व्रज. अब इसका अर्थ क्या, सबसे पहली बात सर्वधर्मान परित्यज, धर्म का त्याग करो. इसलिए मैंने स्नान का त्याग किया, संध्या वंदन का त्याग किया, अर्घ्य प्रदान का त्याग किया, यज्ञोपवीत का त्याग किया, हा? और सारे धर्म आचरण जितने हैं वो सारे मैंने छोड़ दिए. क्यों, भगवान की आज्ञा चरम श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम. अच्छा, जिसने उस तत्व को जाना नहीं, जिसने उसको समझा नहीं, वो क्या बताएगा अर्थ, वो क्या करेगा. आप्टे की एक डिक्शनरी है, संस्कृत की डिक्शनरी है आप्टे की, है कोश, वो कोश लेगा सर्व, सर्व यानी सभी, धर्मान, धर्मान यानी धर्मों को, धर्मों को यानी क्या, हिंदू अपना धर्म छोड़ दे, मुसलमान अपना धर्म छोड़ दे, क्रिश्चियन अपना धर्म छोड़ दे, हाँ ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ दे, वैश्य अपना धर्म छोड़ दे, शूद्र अपना धर्म छोड़ दे, हाँ मनुष्य अपना धर्म छोड़ दे, मनुष्यत्व भी एक धर्म है, उसको अभी मैंने त्याग कर दिया, हाँ. तो इस तरह से धर्मों का त्याग कर देना, ये अर्थ है. और कह रहे हैं क्या, माम एकम शरणम व्रज, केवल कृष्ण की शरण में जाना, केवल कृष्ण की शरण में. हनुमान नो, गणपति नो, दुर्गा नो, शिव नो, किसी की शरण में नहीं, केवल कृष्ण की शरण में. ऐसा अर्थ है क्या उसका, ऐसा अर्थ है क्या, ऐसा अर्थ नहीं है. इसीलिए उसी भगवद गीता के चौथे अध्याय में अभी चैतन्य राज जी ने श्लोक पढ़ा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. वहां दो शब्द आए, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, दो चीज. श्रुति क्या कहती है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम. वहां भी दो शब्द है, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ. गुरु कैसा होना चाहिए, वो श्रोत्रिय होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, वो ज्ञानी होना चाहिए और वो तत्वदर्शी होना चाहिए. इसको आप थोड़ा सा समझिए, ज्ञानी यानी क्या, तत्वदर्शी यानी क्या. तत्वदर्शी यानी तत्व को जानने वाला, तत्व को जानने वाला. और ज्ञानी यानी क्या, उस तत्व का व्याख्यान करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है, ऐसा उस तत्व को समझाने की शक्ति जिसके अंदर है, ऐसा. श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ यानी क्या, जो ब्रह्म को, ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको हो चुका है, जिसने ब्रह्म को जाना है, वो ब्रह्मनिष्ठ है. श्रोत्रिय कौन, उस ब्रह्म का वर्णन करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है, वो श्रोत्रिय है. तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ऐसे गुरु के पास जब हम जाते हैं तब वो उसका अर्थ बताता है, उसका अर्थ बताता है सर्वधर्मान परित्यज. अर्थ क्या, तो धर्म शब्द का अर्थ है जितने भी पुण्य कर्म है, अखिल पुण्य कर्म, जितने भी पुण्य कर्म है वो, और उसके अंदर पाप कर्म भी, जितने भी कर्म है, पुण्य कर्म पाप कर्म, इनका त्याग करते हुए, अखिल कर्मों का त्याग करते हुए, माम एकम शरणम व्रज. माम यानी क्या, उस आत्म तत्व की शरण में जो जाता है, भगवान कृष्ण व्यक्ति की शरण में नहीं, भगवान कृष्ण इस व्यक्ति की शरण में नहीं, वो जो परब्रह्म तत्व है, जो एक है, माम एकम शरणम व्रज, उस वो एक परब्रह्म तत्व जो है उसकी शरण में जो जाता है, उसको क्या हो जाता है, अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुच. मगर ये जो अर्थ है, धर्म शब्द का अर्थ कर्म, धर्म शब्द का अर्थ कर्म, ये कौन बता सकता है,
ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जिसने जाना है, जिसने समझा है और जो स्वयं जानता है, ऐसा गुरु ही बता सकता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। रुद्र में आता है अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च, वहां पर चमे 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 आता, तो अर्थ क्या उसका? अश्मा च मे दगड़ मला दे, मृत्तिका च मे मिट्टी मुझे दे, सिकताश्च मे रेती, रेती बहुत महंगी है। हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, 50,000 रुपये में एक लारी रेती। सिकताश्च मे हिरण्यं च मे सोना मुझे दे, अयश्च मे लोहा मुझे दे, सीसन च मे सीसा मुझे दे, ये सारे धातुओं की बात है उसके अंदर। तो ये सारे मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे, ऐसी प्रार्थना च मे। अब वो मे जो है वो चतुर्थी विभक्ति में वहां पर प्रयुक्त हुआ, मेरे लिए अश्मा च मे मृतिका च मे गृहश्च मे पर्वताश्च मे जगताश्च मे, ये सारी चीजें मुझे दे। ज्ञानिनः तत्वदर्शी जो गुरु है वो उसका जब अर्थ समझाता है तो मे जो है षष्ठी विभक्ति में लेता है, ये पत्थर जो है ये मेरे हैं, ये सिकता ये रेती जो है ये मेरी है, ये हिरण्य ये सोना जो है ये मेरा है, ये वित्त जो है ये मेरा है, ये सारा कुछ मेरा है। क्यों? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मेरा ये सब कुछ। समझ रहे हैं आप बात को? जो व्याकरण देखकर अर्थ समझाता है वो चतुर्थी विभक्ति में सिखाता है, अश्माच में बाजश्च में प्रथमश्च में, ये सारे जितने च में एकाच में तिस्रश्च में पंचच में सप्तच में, ये सारी चतुर्थी विभक्ति में शब्द का अर्थ आता है। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी ज्ञानी जो है उसको षष्ठी विभक्ति में लेता, मे यानी मेरा, ये सब मेरा है। क्यों मेरा है? ये सब मेरा कैसे हुआ? क्योंकि उस परमात्म तत्व से मैं अभिन्न हूं, वहां भेद है ही नहीं। आप लोग तिरुपति गए तो तिरुपति में बालाजी स्वामी जो है भगवान वेंकटेश्वर, उनके ऐश्वर्य को देखा है, इतने बड़े बड़े हीरे, इतने बड़े बड़े माणिक, इतने बड़े बड़े मोती, ये सब देखा आपने है। तो ज्ञानी तत्वदर्शी जब जाता है तो उसको भगवान को देख के आनंद ये होता है, ये सब मेरा है, ये जो सोना है, ये जो चांदी है, ये जो वैभव है, ये जो हीरे हैं, ये जो मोती हैं, ये किसके हैं? ये मेरे हैं। क्यों? क्योंकि मुझ में उसमें भेद ही नहीं, मुझ में और उसमें कोई भेद ही नहीं है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्परम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की स्तुति में, गुरु गीता में श्लोक आया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। ये जो सारी सृष्टि है ये कैसी है? तो अखंड है। अखंड, उसके अंदर खंड है क्या? टुकड़े टुकड़े हैं क्या? नहीं, सारा सारा कुछ एक है, सब कुछ एक है। मंडलाकारम, मंडलाकार यानी सारा ऐसा वृत्त है, सारा एक घनीभूत है सब कुछ। और वो जो अखंड मंडलाकार जो है उसके अंदर व्याप्तम येन चराचरम, जिसके द्वारा वो व्याप्त हुआ है ये सारा अखंड मंडलाकार, जिसके द्वारा ये सब कुछ भरा हुआ है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं देश्वपस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरं भूतभ्रन्न च भूतस्था ममात्मा भूतभावनः। जिसके द्वारा ये सब भरा हुआ है, किस तरह से भरा हुआ है? जैसे जैसे बर्फ में पानी भरा होता है उस तरह से परमात्मा जगत में कैसे भरा हुआ है? मया तदम इदम सर्वम, इदम सर्वम, इदम सर्वम यानी ये सब कुछ कैसे भरा हुआ है? जैसे बर्फ के अंदर पानी भरा होता उस तरह से परमात्मा भरा हुआ है, है? तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्परम दर्शितम येन, उस परमात्म तत्व को जिसके द्वारा मैंने जाना, जिसके द्वारा मैंने उस परमात्म तत्व को जाना,
उस श्री गुरु को नमस्कार है। यहां गुरु के लिए श्री गुरु कहा गया। श्री यानी क्या? श्री यानी संपत्तिमान, कीर्तिमान, यशोमान, ऐसा श्री नाम के आगे श्री लिखते। श्री शब्द का अर्थ क्या? श्री यानी संपत्तिमान, श्री यानी लक्ष्मी। ज्यादातर गुरु देखिए वो भिखमंगे होते, भिक्षांतेही करने वाले होते। हम भी करते, आता दत्त जयंती उत्सव आला, हे पावती पुस्तक घेऊन जा, मधुकरी भिक्षा जमा करा। गुरु जो होते जितने होते सब भिखारी होते। या श्री गुरवे नमः का श्री गुरु, तो ऐसी क्या संपत्ति है उसके पास? उसके पास संपत्ति किसकी है? ज्ञान की संपत्ति है उसके पास, इसलिए उसको श्री गुरु का, वरना वो गुरु श्री गुरु को ही नहीं देता। गुरु सब भिखारी होते, ज्यादातर सन्यासी होते, उसमें से कुछ हमारे जैसे गृहस्थ वो भी भिखारी होते। तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तो ऐसा जो ये परमात्म तत्व है वो चराचर में भरा हुआ, चर में अचर में, जीवित जितने चलने फिरने वाले प्राणी हैं उनमें और पर्वत वृक्ष इत्यादि जो अचर हैं उनके अंदर भरा हुआ है, उनके अंदर भरा हुआ है। ये परमात्म तत्व जो है, इदम सर्वम मया ततम इदम सर्वम, सबके अंदर जब भरा हुआ है तो मेरे अंदर भरा हुआ है क्या? नहीं, मैं इदम सर्वम से अलग हो सकता हूं क्या? मैं सर्वम से अलग हो सकता हूं क्या? और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो इन्फिनिट असीम ऐसी वस्तु है, अगर उसको मैं असीम कहूंगा और मैं उससे अलग हो जाऊंगा तो वो असीम रहेगा क्या? नहीं, वस्तु परिच्छेद आ जाएगा, वो भी ससीम बन जाएगा, वो भी ससीम बन जाएगा। तो इसलिए वो असीम है, अनंत है। परमात्मा का लक्षण करने का प्रयास श्रुति ने कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है। परमात्मा अनंत है, हम अनंत हैं क्या? हम अनंत हैं क्या? बताइए, परमात्मा अनंत है, हम अनंत हैं क्या? हा? नहीं है, अनंत है। जगत की प्रत्येक वस्तु अनंत है, जगत की प्रत्येक वस्तु जो है वो अनंत है, अनंत है। जैसे अब ये डेस्क जो है किससे बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का बना। अब ये लकड़ी का बना हुआ डेस्क है तो ये लकड़ी कैसे बनी? लकड़ी कैसे बनी? तो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, उन मॉलिक्यूल्स कैसे बने? तो उनके अंदर एटम एटम, अणु 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 है, अणु। और अणु के अंदर कितनी शक्ति है? एक अणु का यदि विस्फोट कर दिया जाए तो देश के देश तबाह हो जाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी, आपने नाम सुना क्या? नहीं, जापान में एक अणु का विस्फोट, एक अणु में इतनी शक्ति है। इस डेस्क के अंदर करोड़ों अणु हैं, करोड़ों अणु, इसके अंदर कितनी शक्ति है? तो निर्जीव जड़ पदार्थ जो है वो जो है अनंत है, अनंतता से युक्त है, परमात्मा लक्षण से युक्त है वो। दूसरा क्या? वृक्ष वनस्पति, वनस्पति अनंत है क्या? एक झाड़ है, एक झाड़, उसके बीज कितने होते? 100, 200, 500। उनके कितने बने? उनके कितने बने? कुछ साल पहले एक पौधा था हमारे यहाँ, उसका नाम क्या? कांग्रेस। अब नहीं दिखाई दे रहा वो पौधा, पता नहीं क्या बात है। मगर एक पौधा था कांग्रेस का पौधा, रोड के चारों तरफ इधर उधर 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 सब तरफ पौधा कांग्रेस 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 कांग्रेस, पार्थेनियम उसका नाम है। मगर लोक भाषा में उस पौधे को कांग्रेस कहते, खेतों में जंगलों में जहां जाओ वहां वही पौधा वही पौधा वही पौधा। कैसे? अनंत अनंत अनंत। कैसे अनंत बना? तो बीजों से, एक बीज के अंदर अनंत वृक्ष उत्पादन की शक्ति है। तो जितनी वनस्पति सृष्टि है वो भी अनंत है। प्राणी, प्राणी हाथी घोड़ा गाय बैल वगैरह, वो भी अनंत है।
एक कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं? 10। उनके 10, उनके 10, उनके 10। एक कुत्ते की जाति आप लीजिए, मच्छर मच्छर मच्छर, हाँ 10-15 मिनट में 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 बन जाते हैं मच्छर, अनंत 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 अनंत। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य के अंदर अनंतता है क्या? नहीं हा? देखिए सुबह से हमने कितने रंग देखे, सुबह से कितने रस हमने देखे, सुबह से हमने कितनी वस्तुओं को स्पर्श किया, कितने विचार आए, हमारे शरीर में रक्त जो बह रहा है, हमारे शरीर में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया जो हो रही है, और सबसे बड़ी चीज मन हमारा कितनी चीजों की कल्पना कर रहा है। इस समय हमारा मन क्या कर रहा है? इस समय हमारा मन जो है वो यात्रा कर रहा है, घूम रहा है। कहाँ कहाँ घूम सकता है मन? तो हमारे अंदर भी अनंत शक्ति छिपी हुई है, हमारे अंदर भी अनंत शक्ति छिपी हुई है। इस अनंतता का जो बोध करवाता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका जो बोध करवाता है उसका नाम सद्गुरु है, उसका नाम सद्गुरु। मनोहर वाणी प्रभु महाराज ने अपने एक अत्यंत प्रसिद्ध पद में कहा है कि बहुत योनि बहुत साधन बहुयुग में फिर गई, परी आपुल्या स्थाना लागी नाही पावलो। मनोहर मणे जेव्हा श्री माणिक चरणा लागलो तेव्हा अनिर्वाच्य खूणा आपुल्या लाधलो। तो ये जो प्राणी है, ये जो मनुष्य है, वो भटक रहा है। बहुत योनि बहुत साधन बहुयुग में फिर लो, किस लिए भटक रहा? क्यों भटक रहा बताइए? मनुष्य क्यों भटक रहा? उसके अंदर कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ करने की लालसा है, इच्छा है, आकांक्षा है। हमको कुछ न कुछ सतत कुछ न कुछ पाना है, कुछ न कुछ बनना है, कुछ न कुछ होना है। जो ब्रह्मचारी है इनको क्या बनना है? गृहस्थ बनने की इनकी आकांक्षा है। जो ब्रह्मचारी हैं उनकी इच्छा क्या है? मैं गृहस्थ बन जाऊं। और हमारे जैसे जो गृहस्थ हैं उनकी क्या इच्छा है? मैं सन्यासी बन जाऊं। कुछ बनने की इच्छा, कुछ ना कुछ बनना है। जो ब्रह्मचारी है उसको गृहस्थ बनने की इच्छा है, जो गृहस्थ है उसको सन्यासी बनने की इच्छा है, जो अविवाहित है उसको विवाह करने की इच्छा है, जो विवाह कर चुका है उसको डाइवोर्स लेने की इच्छा है, है ना? जो निर्धन है उसको धन पाने की इच्छा है, और जिसके पास धन है उसको धर्ज खर्च करने की इच्छा है, है? तो सतत हमारा जो प्रवास है, जीवन का प्रवास यानी क्या, जीवन यानी क्या, कुछ बनने की लालसा, कुछ होने की लालसा, कुछ पाने की लालसा, कुछ करने की लालसा। इसके अंदर जन्म से मृत्यु तक किम पहुना, अगले जन्म में उसके अगले जन्म में भी कुछ बनना है, कुछ होना है, कुछ पाना है, कुछ करना है। यही जीवन की यात्रा है, इसी का नाम जीवन। मुक्ति यानी क्या? मुक्ति यानी क्या? इस संघर्ष से मुक्त हो जाना, उसका नाम मुक्ति। कुछ बनने से मुझे कुछ नहीं बनना है, कुछ पाना है मुझे कुछ नहीं पाना है, कुछ करना है मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ होना है मुझे कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप पहले से ही हूं, इसलिए मुझे न कुछ बनने की आवश्यकता है, न कुछ करने की आवश्यकता है, न कुछ पाने की आवश्यकता है, न होने की आवश्यकता है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। इसलिए मनोहर माणिक प्रभु महाराज, देखिए हमारा जो जीवन है उस जीवन में दो तरह से, दो पहलुओं से हमारे जीवन का हम आकलन कर सकते। एक क्या? एक हमारा बाहरी जीवन, बाहरी जीवन। बाहरी जीवन यानी क्या? माता पिता, स्कूल, अभ्यास, कॉलेज, विवाह, नौकरी, हाँ, देना लेना, बैंक, बाजार, ये सारी चीज़ें, ये बाहर की यात्रा है। और एक है अंदर, वहाँ क्या क्या है? काम संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ऋण, धीर, भीर, इति एतत् सर्वं मन एव, ये सब अंदर।
क्या है, काम संकल्प श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति भय इत्यादि सारी चीजें अंदर, बाहर क्या है, माता पिता पत्नी पुत्र सखा संबंधी बैंक बैलेंस व्यापार उद्यम नौकरी प्रमोशन इंक्रीमेंट ये सारी चीजें बाहर। बाहर का जो हमारा जीवन है वो हमारे इस देह के साथ समाप्त होने वाला है। ये बड़े महत्व की बात है और मैं बता रहा हूं और मुफ्त में बता रहा हूं, इतना याद रखिए। हे मी सांगू लालो फुकट सांगू लालो, बाहर का जो जीवन है वो समाप्त होने वाला, किसके साथ समाप्त होने वाला है, देह के साथ समाप्त होने वाला है। किंतु अंदर का जो कुछ है वो देह के साथ समाप्त होने वाला नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। वो हिसाब जो है, बहुत योनि बहुत साधन बहुयुगमी फिर लो, वो जो है हमारे साथ आने वाला है। क्या, कामो संकल्प चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति धीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव। ये सूक्ष्म शरीर जो है वो कभी नहीं मरने वाला, वो मोक्ष तक रहने वाला है। और वो सारे अपनी इच्छाएं अपनी आकांक्षाएं अपनी वासनाएं काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सारी चीजों को साथ में लेके हम जाने वाले, और उन्हीं को पूर्ण करने के लिए फिर नया देह धारण करके हम यहाँ आने वाले। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, हाँ, इस हॉल में आप लोग बैठे, ठीक है, गए बाहर भंडार खाने में गए, हाँ, जाते जाते मोबाइल भूल के गए तो क्या होगा, हाँ, मोबाइल अगर भूल गए तो फिर आना पड़ेगा। और मोबाइल लाने के लिए अंदर आए, बाहर चप्पल छोड़ के आए, मोबाइल मिलने की खुशी में मोबाइल लेके चले गए, चप्पल यहीं रह गई, तो फिर हाँ फिर आना पड़ेगा, फिर आना। तो ये जो सारी चीजें हैं अंदर की जो बात है ना, वो एक एडवर्टाइजमेंट आपको ना, ये अंदर की बात। तो अध्यात्म शास्त्र जो है वो अंदर की बात, बाहर की बात देह के साथ समाप्त होने वाली, अंदर की बात कंटिन्यू होने वाली, वो चलने वाली है। इसलिए महाराष्ट्र कहते हैं मनोहर वाणी, बहुत योनि बहुत साधन बहुयुग में फिर परी आपुल्या स्थाना लागी नाही पावलो। अपना जो स्वस्थान है, अपना जो स्वस्वरूप है, उस स्थान को मैं प्राप्त नहीं हुआ। अपना स्थान क्या है, अपना स्थान क्या है, अपना स्थान सच्चिदानंद आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और श्रुति ने भी कहा कि जिसको उस स्वरूप का ज्ञान हो गया उसको क्या मिलता है, उसका लाभ क्या है, ब्रह्म विदाप्नोति परम। सारे सुख जो हैं, सारा आनंद जो है उसको एकदम से प्राप्त हो जाता है। हमारा कैसा है, हमको जो सुख प्राप्त होते हैं ना, वो कैसे, पहले मैट्रिक पास करने का सुख, मैट्रिक पास करने का सुख, उसके बाद कॉलेज का पास करने का सुख, बीएससी बीकॉम जो भी है इंजीनियरिंग, उसके बाद नौकरी मिलने का सुख, उसके बाद विवाह करने का सुख, उसके बाद धन प्राप्ति का सुख, उसके बाद पुत्र प्राप्ति का सुख, उसके बाद ऐसे अनेक अनेक सुख। वो जो सुख है वो एक साथ प्राप्त नहीं होते, एक के बाद एक, एक के बाद, जब तक विवाह नहीं करेंगे तब तक पुत्र प्राप्ति का सुख होगा क्या, जब तक पुत्र नहीं होगा तो पौत्र प्राप्ति का सुख हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो वो जो सारे सुख है वो आज एक कल एक परसों एक तरसों एक, इस तरह से जीवन भर थोड़े 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 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाले सुख है, इंस्टॉलमेंट। श्रुति कहती है कि ब्रह्म का आनंद जो है, स्वस्वरूप का सुख जो है, वो एकदम से प्राप्त हो जाता है, एकदम से, एक साथ, एक मुश्त। और किसको प्राप्त होता है, जिसने उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसके स्वरूप को जान लिया, उसको ब्रह्म विराप्नोति परम। परम यानी क्या, उस परम आनंद को वो प्राप्त होता। अंत में इसी उपनिषद के अंत में आनंद की मीमांसा की गई कि उसको जो है एक शत एक से सौ गुना, उससे सौ गुना, उससे सौ गुना, उससे सौ गुना, इस तरह से अनंत अनंत आनंद की प्राप्ति उसको होती है। किसको, जिसने अपने उस स्वरूप को जाना। कौन सा स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ऐसा जो स्वरूप है उस स्वरूप को जिसने जाना उसको इस आनंद की प्राप्ति होती है। और हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है क्या,
हम लोग दुखी हैं। परी आपुल्या स्थाना लागी नाही पावल। मनोहर म्हणे जेव्हा श्री माणिक चरणा लागलो, मनोहर महाराज कहते हैं कि जेव्हा श्री माणिक चरणा लागलो तो फिर क्या हो गया, तेव्हा अनिर्वाच्य खूणा आपुल्या लाधलो। तेव्हा जो है अनिर्वाच्य खूणा, अनिर्वाच्य ने क्या, जिसका वर्णन करके नहीं बताया जा सकता, अनिर्वचनीय। खून यानी क्या, निशानियां, साइंस, सिग्नल्स, क्योंकि परब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया नहीं जा सकता, वो इंगित मात्र से, इशारे से ही दिखाया जा सकता है, इशारे से ही दिखाया जा सकता है। श्रुति ने भी इशारा ही किया है, प्रत्यक्ष रूप से परमात्म तत्व का वर्णन श्रुति भी नहीं कर सकती। तेवा अनिर्वाच्य खूणा आपुल्या लाधलो, खूणा यानी क्या, फिर वही सच्चित आनंद अस्ति भाति प्रिय। विद्यारण्य मुनि कहते हैं अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम माया रूपम ततो द्वयम। अस्ति भाति प्रिय, अस्तित्व भातित्व प्रियत्व, ये क्या है, ये निशानी है। खुदा अगर दे नजर तुमको तो हर सूरत खुदा की है, खुदी में है जो खुद मस्ती, खुदा की ये निशानी है। निशानी यानी प्रूफ, निशानी। खुदा की निशानी क्या, हमारे अंदर जो मस्ती है, मस्ती यानी मराठीतली मस्ती नवे बर उर्दू मतली मस्ती, मराठी मध्ये मस्ती म्हणजे काय, हेला फार मस्ती आली ती मस्ती नवे, उर्दू मतली मस्ती यानी क्या, हमारे अंदर जो आनंद है, हमारे अंदर जो आनंद है जो सुख है, एन रूपम रसम गंधम शब्दान परशागुश्च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ए तद्वै तत्। हमारे अंदर ये जो सब कुछ है ना, जानने की, गंध ग्रहण करने की, शब्द को सुनने की, रूप को देखने की, स्पर्श को महसूस करने की, ये सारी जो शक्ति है हमारे अंदर, ये जो आनंद है, ये जो सुख है, वो क्या, किसकी निशानी है? जड़ शरीर का धर्म है क्या? आनंद नहीं, आनंद परमात्मा का लक्षण है, और वो लक्षण मेरे अंदर पाया जाता है, इसलिए मैं परमात्मा रूप हूं। सीधी बात है ना। अन्वय व्यतिरेक न्याय से ये लक्षण जिसके अंदर होंगे वो होगा ऐसा। एक वकील है, वकील को पहचानना, कैसे पहचानेंगे, जिसने काला कोट पहना है, जिसने काले रंग का क्या, वो क्या कहते हैं उसको, गाउन, काले रंग का गाउन पहना है, जिसके हाथ में बड़ी बड़ी किताबें हैं, जिसने मोटा चश्मा लगा के रखा है, वो वकील। उसका स्वरूप लक्षण बता दिया। आप गए उमनाबाद के कोर्ट में, गए वहाँ, आपको ऐसा व्यक्ति मिला, कैसा, जिसने काला कोट पहना है, जिसने ऊपर से गाउन पहना है, मोटा चश्मा है, हाथ में किताबें हैं, उसको देखा, अरे ये वकील है, ठीक है। तो परमात्मा कैसा है? अस्थि भाति प्रिय सचित आनंद सत्यम ज्ञानम अनंतम, ऐसा परमात्मा है। ये लक्षण जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ वो परमात्मा ही होगा, दूसरा अन्य कुछ नहीं हो सकता, वो अन्य कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि लक्षण है, लक्षण बता दिया। तो तेवा अनिर्वाच्य खूणा, खूणा है ना निशानी, लक्षण आपुल्या लाधलो, मेरे जो लक्षण है उनको मैंने प्राप्त कर लिया। सीधी सी बात, वेदांत मंजे भार आवड़ नहीं, भार सोपा है। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में बकरियां चराने वाला एक आदमी था, वो बकरियां चराता, उसके पास एक 100-200 बकरियां थी, 100-200 बकरियां लेके वो जंगल में जाता था। एक दिन जंगल में गया, रास्ते में उसको एक शेर का बच्चा मिल गया। क्या मिला, बाघाचा पिल्लू, शेर का बच्चा मिल गया, बबर शेर का बच्चा। अब उसने वो बकरियां चराने वाला जो था, उसने उसको उठा लिया, छोटा बच्चा आज ही पैदा हुआ, अब उसको पालने लगा। अब कैसे पालता, तो बकरियों के साथ उसको पालने लगा,
बकरियों के साथ वो शेर का बच्चा भी घास खाता था, दूध पीता था, और जो है म्या म्या करते, सब बकरियां म्या म्या करती थी, तो ये भी म्या 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 करता था शेर का बच्चा। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा, बड़ा 2-3 महीने 4 महीने का हुआ, काफी बड़ा हुआ, मतलब लक्षण सारे बकरियों संगति संगदोष बकरियों में रहने लगा, बकरियों के साथ। एक दिन जंगल में से जा रहे, एक बड़ा शेर आया, उसने देखा अरे बकरियों के झुंड में शेर जा रहा है, बकरियों के झुंड में शेर जा रहा है, उसे एक बिलबा उसको बुलाया, बुलाया उसको, ये गया मैं म्या 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 करते हुए गया, तू कौन है? शेर, बड़े वाले शेर ने पूछा तू कौन है? मैं बकरी हूँ, बकरा हूँ, बकरा, मैं बकरा हूँ। है तू बकरा नहीं है, तू शेर है? नहीं नहीं मैं तो बकरा हूँ, मैं बकरा हूँ। उसने कहा चल मेरे साथ, साथ में लेके गया बड़ा वाला शेर। एक सरोवर था, उस सरोवर में वहाँ प्रतिबिंब दिखाई देता, तो वहाँ ले जाके वो सरोवर के चबूतरे पे वहाँ बिठाया, बोला देख दांत, देख दांत। वो बड़े वाले शेर ने अपने दांत दिखाए, बोला तेरे खोल, मुंह खोल। उसने खोल, दांत देख दांत, है बराबर दांत है मेरे जैसे? हाँ दांत। अयाल देख अयाल, अयाल यानी बाल, आपको नहीं है मेरे को है अयाल, अयाल यानी बाल, हाँ तो बाल, तो ये देख मेरे को है तेरे को है, जबान देख, नाखून देख नाखून, हाँ बकरे के नाखून ऐसे होते हैं, नाखून देख। तो धीरे 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 तेमा अनिर्वाच्य खूणा आपुल्या लाद, धीरे 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 एक एक निशानी उस बड़े वाले शेर ने उस छोटे वाले शेर को ध्यान छोड़ दिया। बोला आप दहाड़ लगा, दहाड़ दहाड़ मालूम है आपको? दहाड़ दहाड़ यानी क्या? गर्जना, शेर की गर्जना। बोले दहाड़ लगा, दहाड़ लगा तो छोटे वाले शेर ने म्या कहा, है म्या नहीं, शेर जैसी गर्जना, आ करके गर्जना करता, ऐसे गर्जना कर, इसने कोशिश की, बोला मैं करके दे, आ करके उसने गर्जना दिखाई। धीरे 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 छोटे वाले शेर ने भी गर्जना की, गर्जना की, तब उसको क्या हुआ, मैं भी शेर हूँ इस बात का उसको ज्ञान हो गया। किसको? छोटे वाले बकरे, जो बकरा अपने आप को समझ रहा था। तो उसी तरह से ये जो सदगुरु है वो बड़ा वाला शेर है, और ये जो अपने आप को मैं छोटा सा जीव हूँ, मैं एक जीव हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं चाकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डिमकाना हूँ, ऐसा जो समझने वाले ये जो लोग हैं इनको क्या बताता है वो, क्या बताता है? हाँ किति जनासी भ्रमहा झाला, मी ब्रह्म नकले जीवाला, नकले जीवाला किति जनासी, हाँ तो तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान जो करवाता है वो सदगुरु। बाकी के लोगों को आप गुरु कह सकते, साइकिल सिखाने वाला गुरु, तैरना सिखाने वाला गुरु, ज्योतिष बताने वाला गुरु, हाँ कन्नड़ भाषा में तो मित्र को भी गुरु कहते हैं, हाँ और हमारे उत्तर भारत में वो भोजन पकाने वाले को भी गुरु कहते हैं। तो ऐसे अनेक गुरु हैं, वो बात नहीं है। सदगुरु कौन? तो सदगुरु यानी अनिर्वाच्य खूणा अपुल्या लाद, जिसके कारण मेरे जो अनिर्वचनीय ऐसे लक्षण हैं उन लक्षणों का ज्ञान मुझे हो जाता है, वो सदगुरु है। तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये ऐसे सदगुरुओं की जो परंपरा है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य, ऐसे जो गुरुओं की परंपरा हमारी रही अनादि अनंत काल से हमारी जो गुरुओं की परंपरा। देखिए केवल आप लोगों में से अनेकों का उपनयन हुआ होगा, हुआ क्या नहीं? हाँ उपनयन हुआ, हाँ उपनयन हुआ। उपनयन में गायत्री मंत्र का उपदेश, उपनयन में गायत्री मंत्र का उपदेश। ये गायत्री मंत्र कहाँ से आया?
गायत्री विश्वामित्र सविता गायत्री, विश्वामित्र ऋषि जो है वो उसका मंत्र दृष्टा रहा। मंत्र दृष्टा कौन है गायत्री का? विश्वामित्र ऋषि है। उस विश्वामित्र ने अपने शिष्य को उपदेश किया, उसके शिष्य ने अपने शिष्य को उपदेश किया, उसके शिष्य ने उसके शिष्य को उपदेश किया। 10,000 साल से जो है वो गायत्री का उपदेश जो है अपने गुरु से, अपने गुरु से, गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य, गुरु से, इसी को संप्रदाय कहते हैं। सम्यक ददाति इति संप्रदाय, उत्तम प्रकार से देना। तो गुरु से शिष्य को, गुरु से शिष्य को, गुरु से शिष्य को ये गायत्री मंत्र जो है अंततः मुझे मेरे गुरु से अथवा मेरे पिता से मुझे प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आई बात? तो कहाँ से आ रहा, परंपरा कहाँ से शुरू हुई? विश्वामित्र ने कभी किसी को उपदेश दिया होगा, अपने किसी पुत्र को, अपने किसी शिष्य को, वहां से ये परंपरा आ रही। हा? और एक बात बता दो, प्रसंग आया, आपने कैसेट, पुराने जमाने में कैसेट होते थे, कैसेट मालूम, टेप रिकॉर्डर में डालने के, वो कैसेट, एक कैसेट से दूसरे कैसेट कॉपी, दूसरे कैसेट से तीसरे कैसेट कॉपी, तीसरे कैसेट से चौथा कैसेट कॉपी, ऐसे अगर कॉपी करते चले जाएं तो 10वां या 12वां जो कैसेट होगा उसके अंदर आवाज़ कैसी आएगी? कैसी आएगी? हाँ, लता मंगेशकर का गाना जो है वो क्या हो जाएगा, 12वें कैसेट तक आते आते हाँ किसी और का गाना सुनाई देने लग जाएगा। हाँ, उसकी शुद्धता जो है, उसकी पवित्रता जो है वो धीरे 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 कम होती चली जाती है। तो इसलिए कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, ये गुरु परंपरा की जब बात चल रही है तो कर्तव्य ये है उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो पवित्रता है वो किंचिन मात्र भी कम ना हो जब मैं अपने शिष्य को सौंपूं। मेरे गुरु से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो जब अपने पुत्र को, अपने शिष्य को मैं सौंपूं तो उसमें क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। गुरु परंपरा का अर्थ यह है, विश्वामित्र ने अपने शिष्य को जो दिया उसके शिष्य से होते 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 10,000 वर्षों में जो मेरे पास आया है उसकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? सबकी। इस बीच की कड़ी में जितने लोग हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी, उनकी सबकी जिम्मेदारी। तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के, न केवल अपने अस्मदाचार्य पर्यंत, अपने गुरु नहीं, उनके जो गुरु, उनके जो गुरु, श्री गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु और उससे भी परात्पर तर गुरु जितने हैं उन सब के प्रति नमन अर्पित करने के लिए, कृतज्ञता अर्पित करने के लिए आज का ये पर्व है। आज के इस पर्व के दिन आप सब लोग यहाँ आए और आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, प्रभु महाराज की आरती, प्रभु महाराज की पूजा, प्रभु महाराज की कृपा संपादित करने का आपने प्रयास किया और यहाँ आपने इस सत्संग में भाग लिया और मुझे प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने इसका लाभ लिया। आप सबके ऊपर गुरु महाराज की, प्रभु महाराज की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसा मंगल आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करता हूँ। अवधूत चिंतन सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की।